राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को चौंकाने वाली चीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन ने दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन बनाया है जो पानी और जमीन पर चल सकता है। मरीन लेजर नाम के इस ड्रोन का हाल ही में चीन ने सफल टेस्ट किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का पहला लड़ाकू ड्रोन मानव रहित है और इसे सीधे सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। 12 मीटर लंबी मरीन लेजर ड्रोन की सबसे खास बात ये है कि ये पानी पर अधिकतम 50 नॉट की गति पर पहुंच सकता है, जबकि जमीन पर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं मरीन लेजर लगभग 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। दिलचस्प बात तो ये है कि डीजल से चलने वाले हाइड्रोजेट की मदद से ये आगे बढ़ता है और रडार इसे पकड़ तक नहीं पाता। मालूम हो कि चीन अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाकर एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में उभरा है। दुनिया की 3 बड़ी सेनाओं में चीन की सेना शामिल है। करीब 178 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ चीनी सेना नए हथियारों की रेंज विकसित करने पर ध्यान दे रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।